अरे 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 भाई 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 बटर चिकन की पब्लिक मेरी फेवरेट चौमिन। इससे पहले अलबेली आए इसे पूरा छटाफट कर देता हूँ। भाऊ भाऊ अब अपनी मन पसंद चौमिन खाते हैं। शैंकी तू यहाँ? तू गवाही, ये बटर चिकन भी पता नहीं कैसा पराया कुट्टा लेके आ गया है। शैंकी को पराया कुट्टा बोल रही है। तो यार मैं हूँ मास्टर खुर्रक चौधरी। तो यार थंबनेल देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो कितना ज्यादा जिब्राल्टर सीन है। आज हम इंडिया के बिगेस्ट आरसी प्लेन शॉप पे जा रहे हैं। वहाँ पे यार सारे टाइप के आरसी प्लेन्स मिलते हैं और यार इंडिया का लार्जेस्ट आरसी प्लेन भी है उधर। तो इसलिए बोल रहे इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। और हाँ यार, जाने से मेरे भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो यार। क्या कर रहे हो, इधर जाने की सारी अपडेट मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, तो ज्यादा की फॉलो मारो। फटाफट चलते हैं यार बिगेस्ट आरसी प्लेन बाजार वो भी दिखाता हूँ। मूवी में क्रैश हो गया था प्लेन, वही प्लेन तो नहीं है। रिपेयर भी आते हैं यहाँ पे प्लेन, बिल्कुल होते हैं। मैं पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे यार, आरसी प्लेन नहीं भाई, बहुत जबरदस्त है। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है भाई, यहाँ पे आना बनता है तुम्हें। बनता है यार, बनता है भाई। मेरे को तो कसम से ऐसे घुसते लगा है, ये कहाँ पे आवश्यक दिल्ली में ही है। ये सामने है सारे चक राइडर्स, जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं सर, बेसिकली स्टार्टिंग इसी से सीखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर प्लेन एंड देन चक राइडर्स। वायर के थ्रू हम इसको, यहाँ से जब हम ये वायर आगे पीछे होती है हाँ, तो क्या होता है ये पीछे कंट्रोल मूव करता है, इससे ये मॉडल ऊपर और नीचे जाता है। मतलब हमारे 360 राउंड लगाया गया ये। बिल्कुल, ये नेक्स्ट वीडियो दिखाने वाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाइंग दिखाने वाले हैं। और कितना दूर जाऊं, ये देखो यार, ये इतना बड़ा विंग ही है इसका। खड़ा कर दे क्या, दिखाना जरा भाई, छत भी छोटी पड़ रही, देख रहे हो इतना बड़ा विंग है इसका। बास्केटबॉल भाई बड़ा है यार, बड़ा है, मतलब पूरा पूरा रूम कवर कर लेगा ये विंग, देख रहे हो। इट्स अ 10 फीट, 10 फीट का विंग है ये भाई साहब। वो पीठ पे और लेके आरसी प्लेन छोड़ा, सुधांशु प्लेन बनाएंगे, मास्टर बटर का प्लेन। तो यार इसको टोक लाइट उड़ा रहे हैं भाई, उड़ाओ सीधा हाँ। और ये ओए होए, वीडियो वीडियो बनती रहेंगी, पहले खेल रहे अपन। इसमें हम इस तरीके से पतंग की तरह, पतंग की तरह हाँ हाँ, और ये चरखड़ी हाँ हाँ धागे की तरह हाँ हाँ लेकर भागते हैं, तो मतलब पूरा पतंग वाला प्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल, करके दिखा दो मेरी तरह। ओए कितना अच्छा, सर बताओ परफेक्ट ही था। बिल्कुल, एक बार आप मारना, फूक भी तो मार दो अंकल, एक बार फूक फूक मारो। तो अरे पिद्दी की फ्लाइंग देखना, अभी देखना। इस मॉडल का नाम है हंटर, हंटर 1971 की वार में जो यूज हुआ उसका एक छोटा सा छोटा वर्जन है। यस ठीक है, इसको हम फ्लाई करेंगे हाँ। गुलेल, जो गुलेल होती है इसको यहाँ से होल्ड करके लाइक दिस हाँ हाँ, ये एंगल इसके साथ हाँ। हम यहाँ नहीं घूमेंगे क्योंकि ये बहुत तेज जाएगा, मैंने देखा है। तो ये अपने सुनील भाई यहाँ पे जितने मॉडल सबकी देख रहे यही करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कहा रूम में सामने कौन से रूम खुल रहे हैं आपके, यहाँ से रिमोट नहीं है इसमें, बाकी सारा आरसी ऐसा खेल है ना। ये देखो इसमें फ्यूल भर रहे हैं, इसमें बेसिकली वो फ्यूल का मिक्सर होता है हाँ, कैस्ट्रोल और मीथेन ऑयल। तो अभी इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जितने तुम्हें दिख रहे हैं ना सब फ्लाई करेंगे ठीक है। ये क्या हाँ, बस भाई कान सुन से हो गए मेरे, अभी भी कान सुन है मेरे, देख रहे हो यार क्या कर डाला। मैं अभी तक साइलेंसर नहीं लगाया है, अदरवाइज इसमें भी साइलेंसर, वो बंदूक वाले साइलेंसर जो आवाज दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हो क्राइम पेट्रोल, देख रहे हो ये क्राइम पेट्रोल देखने का फायदा है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में चला के दिखाएंगे ठीक है। ये देखो देखो भाई, अभी पिद्दी से ही खेल रहे हैं भाई, को एक वो मिल गया जुगाड़ आराम से। कौन भूल
सकता है। तो अब आरसी प्लेन्स की बात है, ठीक है, बीए वाला बुलडोग, अच्छा बुलडोग नाम है इसका, इसका नाम बुलडोग है, बुलडोग निकाल रहे हैं, बड़ा बड़ा आसान है, जितनी भी एक्सेसरीज हैं हाँ कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये देखो इसका रिमोट, फोन का तो छोटे रिमोट आते हैं काफी, नहीं 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 सबका रिमोट एक जैसा ही होता, कंट्रोल सबके एक जैसे ही है, करना भैया कंट्रोल करना एक बार, अरे 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 भाई 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 नगर पालिका को बुलाओ। नहीं नहीं फिजिक्स की बातें अपने को समझ नहीं आती, बट नॉलेज प्रिंसिपल, हाँ पर तुम्हें याद तो होगा, तुमने पढ़ा तो होगा, सीधे साधे लोगों ने वीडियो बनाए थे, यहाँ अपना काम खत्म हो। अच्छा तो एक बार इनके नाम जान लो, तो आपने नाम रख रखे इन आरसी प्लेन्स के, तो यार ये वाला कौन सा प्लेन है जिससे बेस्ट मुझे यही लग रहा है, एक्चुअल वाले प्लेन का रेप्लिका ये छोटा, yes, बिल्कुल सही, और इन सब के विंग्स वहां पड़े हैं, तो अभी विंग्स निकाल रहे हैं, इसके अंदर एक खास बात है, तो पूरे रियल प्लेन वाला मामला है इसमें। हाँ और मेरा ख्याल ये तो वो वाला जो पानी में उड़ते हैं ना, मैं बताता हूँ, हाँ वाइस सिटी में देखा, वाइस सिटी में, हाँ वाइस सिटी में ये एक ही प्लेन है, इकलौता ऐसा उड़ा सकते हैं। अच्छा इसको इस लुक से अगर सर दिखा रहे हैं तो ये पंछी नहीं होते, पंछी वैसे ही लुक नहीं आ रहा, ईगल, ईगल ये देख रहे हो, मॉडल को हम इस मॉडल का नाम ही ईगल। अच्छा एक मिनट, आपने गिफ्ट दिया है, हाँ। यार मतलब यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, भाई को गिफ्ट मिल रहे हैं, सुनो प्लेन मैंने उड़ाया तुमसे, ठीक है, अरे मेरे भाई ने भाई बाजी मार ली। ये रेडी टू फ्लाई, हाँ हाँ रेडी टू फ्लाई, फ्लाई 3,000 रुपीज, 3,000 का सेल कर, बात करूं तो इसकी कोस्टिंग करी 40,000 कंट्रोल है, जितने कंट्रोल एंड कॉम्पिटिशन होते हैं वो यही सब यूज करते हैं, है ना। अच्छा तो अब अपने मेन जो अट्रैक्शन है इस आरसी प्लेन्स, इनकी क्या रेंज होती है ऐसे, इन आरसीज के लिए हाँ, अगर हम कहें तो जो हाँ, स्टार्टिंग रेंज है ये हमारा, ये वाला एक बेसिक मॉडल है जो कोई भी बच्चा घर पे बना सकता, तो ये प्लास्टिक वाला आरसी प्लेन कितने के मिलेंगे, ये वाले, ये बिल्कुल फुल एक्सेसरीज के साथ 12,000 से 12,000 दस से 12, तो ये जो आरसी प्लेन है इनकी रेंज कितने तक की पड़ जाएगी, इनकी रेंज मॉडल की, सिर्फ मॉडल की जो कॉस्टिंग है वो करीब करीब स्टार्ट हो जाती है हमारी 10,000 रुपए से, 10,000 से मॉडल, सिर्फ मॉडल, इसके ऊपर जो एक्सेसरीज, इंजन, रिमोट, ये सब कुछ लगता है, तो करीब करीब टोटल कॉस्टिंग जाके बनती है 30,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 30,000 से बड़े स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े आरसी, बड़े आरसी है ना। तो तुम्हें बाहर दिखा रहे सबसे बड़ा वाला जिसमें पेट्रोल डलता है, जो पेट्रोल वाला आरसी प्लेन है वो भी हम दिखाएंगे उड़ा के, तो यार वेट करना नेक्स्ट पार्ट का, ठीक है। देख रहे हो जब आए थे भाई तब पूरा भाई तो पूरी धूप थी, है ना, मैं बता रहा हूँ, और भाई इतनी रात हो गई है, इतनी मेहनत करते हैं भाई तुम लोग, इतनी मेहनत, इसलिए लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना यार। 4 बजे करीब आए थे हम, चार बजे आ गए और अभी बज रही करीब 9:00, 5 घंटे का शूट था यार, बहुत तगड़ा मजा आया, आपको भी आएगा मुझे पता है, ठीक है, तो इसलिए लाइक मार देना। और देखो शूटिंग करते करते ना लगी थी अपने को भूख, 30 रुपए ये देखो, हाँ भाई देगा 30 रुपए का पनीर का 45 मुझे नहीं पता, 35 होता है भाई, बढ़िया पराठे होने चाहिए, देख शर्मा गए, सेल्फी तो ले रहा हूँ भाई, जनबन बहुत फेमस हो, जनबन एक बार जनबन सेल्फी लेंगे अभी भैया, जनबन बना रहा पराठे एकदम जनबन, सर पर यहाँ से मजा ले रहे, ठीक ना भैया, ये क्या है सामने, मैं नहीं जानता, पेरेंटल एडवाइस, पेरेंटल एडवाइस, इतना महंगा टर्म बोल दिया भाई, तो यार ये अपना ये कौन सा अंडा, अंडा पराठा, अंडा पराठा है अपना भाई के लिए, ये अपना पनीर पराठा बटर के साथ स्पेशली भाई, वीडियो के लिए भाई ने प्रॉपर मेहनत किया है, और स्वाद काफी अच्छा है, मतलब टेस्टी है भाई, अभी भाई कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं है बहुत, जैन भैन भाई का फेमस डायलॉग, जैन भैन पराठे यार यहाँ के, जैन भैन। A few moments later. तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और हाँ यार हम नेक्स्ट वीडियो में सोना हरियाणा जाएंगे इन सारे आरसी प्लेन्स को उड़ाने के लिए, मजे की बात ये कि हम वहाँ पे एक ऐसा आरसी प्लेन ले जाएंगे जो पेट्रोल से चलता है, जी हाँ सही सुना, पेट्रोल से चलने वाला आरसी प्लेन भी ले जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए बोलो फ्लाइंग की नेक्स्ट वीडियो अगर तुम्हें देखनी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में बोलो यार हाँ मैं नेक्स्ट फ्लाइंग की वीडियो चाहिए, तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, क्योंकि यार मास्टर बटर रिपब्लिक का ऑर्डर सरा को भी है। तो देखो अपनी आरसी प्लेन की वाली वीडियो अब कंप्लीट हो चुके, जिसको छोड़ कर आने में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हम भी कुछ और वाले बात करेंगे, ठीक है। यार आजकल मैं काफी ज्यादा देख रहा हूँ ये एक्सपोज, गोबर जोन एक्सपोज, गौरव जोन एक्सपोज, और यार मैं जानता हूँ मेरी बटर के पब्लिक को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है एक्सपोज वीडियोज देख के, लेकिन तुम्हें एक सच्चाई बात हो, ठीक है ना, तुम सब जानते हो मैंने उस बंदे के साथ काम किया है, 1 साल से ज्यादा काम किया मैंने एज ए एडिटर, एज ए टीम मेंबर, मैं एसआरवी गौरव जोन काफी अच्छे दोस्त थे, काफी ज्यादा नाइट आउट वीडियो बनाते रहते थे, और फिर मेरे और गौरव जोन के बीच में ऐसा कुछ सीन हुआ जिसके मैंने एडिटिंग करना छोड़ दिया, और
रहा था कि यार अपने खुद के चैनल पे ध्यान देते हैं। अब तुम्हें मुद्दे की बात पकड़ना, ठीक है ना। मैं एज अ यूट्यूबर उस छोटी सी बात को कितना बड़ा खींच सकता था तुम सबको पता है, ठीक है। मैं बतेरी वीडियोस डालता, गॉड्स ऑन दिस, गॉड्स ऑन दैट, मैंने किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से कंटेंट से प्यार था, ठीक है ना। अभी मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा व्लॉगर्स फालतू बोल रहे हैं, कभी उस व्लॉगर फालतू बोल रहे हैं, ब्रो तुम्हारे पास कंटेंट ही बचा गया। और मैं तो बोलता हूँ लोगों को बताओ यार कि मास्टर बोर्ड की तरह कठोर कठोर कंटेंट डाले, ना कि एक्सपोज एक्सपोज। या मेरे हिसाब से एक्सपोज का सारा ना वही लेते हैं जिन पे कंटेंट नहीं बचता, ठीक है। तो इसलिए बोलते थे सब्सक्राइब कर रहा है मास्टर बोर्ड ऐसे कठोर कठोर कह रहे करे हल्के तरह वीडियो आती है, तो सब्सक्राइब पब्लिक बनता है, ठीक है। और यार घंटे का ऑप्शन आना, जब मैं वीडियो तो पता चलेगा यार मास्टर ने वीडियो अपलोड कर दिए, पहले वीडियो देखते, ठीक है। तो चलिए फिर तो यार लाइक तुमने कर दिया, सब्सक्राइब तुम कर दो, घंटे का ऑप्शन दे दो, ठीक है। ये मास्टर बटर की पब्लिक यार, मैं मास्टर तब से अगले वीडियो में। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right.